टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ के कमरे से मिले अहम दस्तावेज। सामने आया आत्महत्या का असली सच। बुधवार रात पुलिस को रिया की आत्महत्या की सूचना मिली। आत्महत्या की वजह खुलासा नहीं हुआ। सिया सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, टिकटॉक पर उनके 11 लाख और इंस्टाग्राम पर करीब 1 लाख फॉलोवर थे। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से सिया को सोशल मीडिया पर धमकी मिल रही थी। पुलिस के मुताबिक सिया कक्कड़ परिवार के साथ गीता कॉलोनी 13 ब्लॉक में रहती थी। परिवार में पिता इंदर कक्कड़, माँ, एक भाई व एक बहन है। सिया डीयू के एक कॉलेज से स्नातक कर रही थी। पिछले कई सालों से सिया डांस के वीडियो बना रही थी। इन वीडियोज को टिकटॉक के अलावा इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी शेयर करती थी। पिछले कुछ सालों से वो टिकटॉक की बदौलत बड़ी स्टार बन गई थी। उनका काम इतना पसंद किया जाने लगा कि लोग उनके वीडियो का इंतजार करते रहते थे। उसने पूरे वीडियो की देख रेख के लिए एक मैनेजर अर्जुन सरीन को रखा हुआ था। सिया का सारा काम अर्जुन ही देखते थे। पुलिस के मुताबिक बुधवार 9:30 बजे गीता कॉलोनी के एक अस्पताल से सिया के निधन की सूचना मिली। अस्पताल पहुंचने पर परिवार ने पुलिस को बताया कि सिया ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। सबको कब्जे में लेने के बाद पुलिस व क्राइम टीम ने सिया के कमरे की जांच की। शुरुआती जांच के बाद पुलिस उनकी मौत को आत्महत्या बता रही है। पुलिस ने सिया के कमरे से उनका मोबाइल, लैपटॉप और कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। अब पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।